आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सिस्टम के यहाँ पर कोर को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके सिस्टम पे कितने कोर हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे देख सकते हैं आपके अपने सिस्टम के कितने कोर हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो आपको अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर को ऑन कर लेना है। आप टास्क मैनेजर को कितने तरीके से ऑन कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं इस टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यहाँ टास्क बार पर जाऊँगा और यहाँ पर साइड में देखिए टास्क मैनेजर। जब हम टास्क मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी टास्क ओपन हो रखे होते हैं हमारे सिस्टम में, वो सारे यहाँ पर शो कर रहे होते हैं कि कौन कौन सा रनिंग है। तो इस पर आपको यहाँ प्रोसेसर और यहाँ पर साइड में आपको जाना है परफॉर्मेंस पे। जैसे आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो यहाँ सीपीयू पर सेलेक्ट करेंगे, सीपीयू पर क्लिक करिए और नीचे आ जाइए। आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है प्रोसेसर कोर सीपीयू वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए 6 कोर का ये प्रोसेसर है हमारा, तो 6 कोर का यहाँ पर ये प्रोसेसर है हमारे सिस्टम में। तो ये था पहला तरीका, आप यहाँ से अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि कितने कोर हैं। अगर आपके में टास्क मैनेजर मान लीजिए किसी कारण से नहीं आता है, या टास्क मैनेजर से नहीं, आप अपने रन कमांड से भी खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको विंडोज़ प्लस आर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है msinfo32.exe। जैसे exe करके आप यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिस्टम समरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है प्रोसेसर। जैसे आप प्रोसेसर पे आएंगे तो यहाँ देखिए आपका प्रोसेसर का नाम दिखा देगा और तो साथ ही साथ आपके जितने भी मेगाहर्ट्ज़ का सिस्टम होगा और यहाँ पर कोर दिखा देगा आपके कि कितने कोर हैं आपके सीपीयू के। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।